आप सबको हैप्पी सैबथ। इस ऑनलाइन सैबथ सभा में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि इस सभा से हम सबको आशीष मिले। आइए शुरू करने से पहले हम अपना शीश झुका के प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं तुझे धन्यवाद देने। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सब दुख तकलीफ से दूर रखा है और तेरे आशीषों से भरपूर किया है। खासकर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सैबत दिन के लिए। हम अपने सब सांसारिक काम छोड़ के तेरे चरणों में आ सके और तेरे आराधना कर सके और तेरी महिमा गा सके। विनती करते हैं हमारे जितने भी कलीसिया के सदस्य हैं, तेरे आशीष उन पर हो। जो कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उन्हें चंगाई दे, उनका सब दुख तकलीफ माफ कर। हमारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सेक्शन, यूनियन, रीजन, डिवीजन, जितने भी लीडर्स हैं, तेरे आशीष हो उन पर। खासकर विनती करते हैं कि आज की सभा में तेरे आशीष हो, हम सब तेरे वचनों को सुन के उस पर अमल कर सकें। जानते हैं कि बहुत ही जल्दी ये पापी दुनिया नष्ट होने वाला है, लेकिन हमें उस दिन के लिए तैयार कर जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, हम यीशु मसीह के साथ उस सुंदर स्वर में जा सके और अनंत काल के लिए वास कर सके। हमारे सब गुनाह तो माफ कर। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन।
मेरा नाम संगीता हंसदक है। मैं बर्तल चर्च की हूँ और ईस्टर्न झारखंड सेक्शन से बोल रही हूँ। मेरा गवाही इस प्रकार है कि 2020 में जूम के थ्रू से मुझे एक लड़का से कांटेक्ट हो गया था और हम दोनों काफ़ी वक्त बिताते बात करते रहते थे फ़ोन पे। कभी मिले तो नहीं, पर फ़ोन में ही हम बातें करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये बातें हमने अपने पेरेंट्स को भी बताए कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इसके बाद क्योंकि वो दूसरे स्टेट के थे और इसलिए हम एक दूसरे के बारे पूछने लगे कि अपने दूसरे स्टेट में किस तरह से शादी की रस्में सब होती है, और इस तरह हम एक दूसरे को अपना बता रहे थे। तो उन्होंने एक फैमिली फोटो भेजा जिसमें उसकी माँ गहने पहनी हुई थी और ये देख के मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि मैं एडवेंटिस्ट फैमिली से हूँ और मैंने कभी नहीं पहना है। मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है कि हम एडवेंटिस्ट में सिंपल रहते हैं, हमें आभूषण की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें नहीं पहनते हैं। तो जब ये मैंने देखा तो मुझे बहुत सवाल उठने लगे मेरे मन में कि क्यों पहनी हुई है, क्या मैं जाऊँगी उधर तो मुझे भी पहनना पड़ेगा। और ये सारा बात मैंने अपने पेरेंट्स से बोला, उससे बातें की, तो उन्होंने भी मुझे बोला हाँ ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है, उनसे बात कर लो। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या ये आपकी माँ जो है ये आभूषण क्यों डाली हुई है, क्या मैं जाऊँगी तो मुझे भी डालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हमेशा नहीं पहनती है, पर कुछ फंक्शन होता है तो वो पहन लेती है, कुछ प्रोग्राम्स में जाती है तो। और अगर आप चाहो तो आप नहीं पहनोगे ठीक है, पर ठीक है मैं माँ से पूछ के बता दूंगा। और इस तरह से उन्होंने जब फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पहनो या ना पहनो हर पल, पर शादी के वक्त में आपको पहनना पड़ेगा। तो ये सब सुन के मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बहुत चिंता में पड़ गई, मतलब क्या करूं, अगर हम नहीं पहन रहे हैं तो हमारे इधर रिश्ता टूट रहे हैं, और पहन रहे हैं तो मैं जैसे बचपन से जो सीख में चलते आई हूँ उसका उल्लंघन कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं परमेश्वर से दूर हो रही हूँ। और इस सब के बारे में मुझे बहुत चिंता हो रही थी और मैंने अपने पेरेंट्स से फिर इस सब के बारे में बातें की और हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यही बीच में उन्होंने रोनाल्ड रॉबिन पास्टर को संदेश, उसका संदेश मुझे मिला और मैं जब सुन रही थी उसका तो उन्होंने बहुत सिंपल में कहा, सरल तरीके से, कि मतलब जो रास्ते पे हम चलते हैं अगर वो चीज से बना हुआ कोई चीज, कोई आभूषण कोई पहन ले तो हम क्या सोचेंगे उसके बारे में। वैसे ही जो गोल्डन रोड पे चलते हैं स्वर्गदूत लोग, वो चीज को हम अपने शरीर में डाल रहे हैं तो वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये कैसे मनुष्य है। तो ये सारे सुन के मुझे लगा कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ जिस पे चल रही हूँ ये मैं सही कर रही हूँ। और इस तरह से हम और भी सुनना चाहते थे और हमने कई पास्टरों से भी बात की इसके बारे में, और फिर से हम सुनते रहते थे रोनाल्ड रॉबिन पास्टर का सब। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिला उसका संदेश में कि जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु के पास तो हमें पूरा समर्पण करना चाहिए, पूरे तरीके से समर्पण करना चाहिए, आधा आधा नहीं। तो उस समय मैंने ये फैसला किया कि नहीं, कि मुझे अगर ये रिश्ता टूट भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रभु से अपना रिश्ता बनाए रखूंगी। और इसलिए हमने फिर उसे कॉल करके कहा कि ठीक है, अगर आपकी माँ चाहती है कि मैं पहनूं तभी ये रिश्ता बनेगा तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी माँ यही चाहती है कि आप पहनो और मेरा समाज भी तभी एक्सेप्ट करेगा यहाँ का।
ये सब बातें करते ही हमारा जो रिश्ता था हमने खत्म कर दिया। और लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वहाँ रिश्ता खत्म तो हो गया पर मेरा प्रभु के साथ रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत हो गया। मुझे खुशी होती है कि प्रभु ने मुझे एक सही रास्ते पे चलने के लिए अगुवाई की है। और मैं सभी पास्टरों को भी, रोनल रॉबिन पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे से संदेश सुनाया। और हम बहने, मतलब मैं उस समय जो गिरने पर थी, बल्कि उस समय हम प्रभु में और अच्छा रिश्ता बनाने लगे। सबको धन्यवाद जय मसीह की। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, जल जाओ उसी के प्यार में परवाना बन के दे, बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे। गरिष्क देखना है तो सुली पे गौर कर, गरिष्क देखना है तो सुली पे गौर कर, सच्चाई देखनी है तो पसली पे कर नजर, किलों से छेद हाथों को नजराना बन के दे, बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे। जितने पड़े मुसीबतें सर पे उठाए चल, जितने पड़े मुसीबतें सर पे उठाए चल, इल्जाम कोई लगाए तो ढाए कोई सीतम, दीदार देखना है तो सब कुछ लुटा के चल, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, जल जाओ उसी के प्यार में परवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे।
गुड इवनिंग, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उस अच्छे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। पिताजी, जब हम आपके वचन के बारे में सीखने जा रहे हैं, हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, होने देना कि जो कुछ भी हम सीखें, जो कुछ भी हम आपके वचन में से पढ़ें, हम उसे अपनी जिंदगियों में अपना सकें। जितने भी लोग हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हैं, उन पर अपनी आशीष और बरकत का हाथ बनाए रखना। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का जो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, उसका शीर्षक है क्रूस का संदेश, अ मैसेज ऑफ द क्रॉस। आज हम उस क्रूस के संदेश के बारे में बातचीत करेंगे जो हमें मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर की महान योजना जो उसने तैयार की है उसको प्रकट करता है, उसको बताता है। क्रूस का संदेश हमें उस महान योजना के बारे में बताता है जो परमेश्वर ने इसलिए तैयार करी ताकि जो मनुष्य पाप में डूब गए हैं, जो मनुष्य पाप के दलदल में फंस गए हैं, उनको बचाया जा सके, उनके लिए उद्धार का रास्ता खुल सके। और ये जो क्रूस की कहानी है, ये जो क्रूस की कथा है, ये क्रूस की जो संदेश है क्रूस का, ये उन लोगों के लिए जो नाश होने वाले हैं उनके लिए ये मूर्खता है, उनके लिए ये फुलिशनेस है। पर वो लोग जो उद्धार पाना चाहते हैं, जो हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, उनके लिए ये क्रूस की कथा, ये क्रूस की कहानी जो है परमेश्वर का सामर्थ्य है। अगर हम पहला कुरिन्थियन उसका एक अध्याय और 18 वर्स को पढ़ें, पहला कुरिन्थियन 1:18, यहां लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। हमारे लिए ये जो क्रूस की कहानी है ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसीलिए पौलुस अपनी कलीसिया से ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया है मेरे और आपके गुनाहों के लिए, आइए हम उसे पहचाने, आइए हम उस क्रूस पर गर्व करें ताकि हम हमेशा की जिंदगी को अपना सके। पौलुस अपनी कलीसिया से कहता है कि मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में, वर्ण उस यीशु मसीह के बारे में बातचीत करना चाहता हूं जो क्रूस पर मेरे और आपके लिए चढ़ाया गया। वो उसने वो मृत्यु ली जो मेरी और आपकी थी। वो कहता है कि मैं उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह के को छोड़ मैं आपसे और कोई बातचीत नहीं करता। और वह ये कहता है गलातियों की पुस्तक में कि मुझे उस क्रूस पर गर्व है। आइए हम भी उस क्रूस पर गर्व करें। अगर हम पहला कुरिन्थियन उसका 2:2 में देखें, यहां लिखा है क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। आगे हम गलातियों 6:6 गलातियों 6:14-14 देखते हैं, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। वो कहता है मुझे किसी और बात का कोई घमंड नहीं। पौलुस यहां कहते हैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसने जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। यहां पर पौलुस ये कहते हैं कि मुझे और किसी बात पर कोई घमंड नहीं है और ना ही मैं किसी और बात पर घमंड करूं। मैं सिर्फ एक बात पर घमंड करना चाहता हूं, मैं उस क्रूस पर घमंड करना चाहता हूं जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया, क्योंकि उसी क्रूस की वजह से मैं और आप हमेशा की जिंदगी को पाने का रास्ता खुल गया है। आगे हम देखते हैं कि पौलुस ने
इसी क्रूस पर गर्व करके उसने यीशु मसीह को छोड़ और कोई बात ना करके अपना सारा जीवन यीशु मसीह के पैरों में बिता दिया। उसने हर एक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में न्योछावर कर दिया। उसे कई बार अपमान सहना पड़ा, कई बार उसे कोड़े खाने पड़े, फिर भी उसने परमेश्वर के संदेश को बांटना नहीं छोड़ा। उसने अपना सारा जीवन परमेश्वर की सेवा में न्योछावर कर दिया और वो बार बार अपमान सहने के बाद भी परमेश्वर के संदेश को बांटने के लिए हमेशा तैयार था। आइए हम भी पौलुस की तरह उस क्रूस पर घमंड करें। आइए हम भी पौलुस की तरह सिर्फ परमेश्वर की ही बात करें, उसे छोड़ और किसी बात को हम ना करें। क्रूस का संदेश हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर हम हर एक मनुष्य के साथ व्यक्तिगत तौर पर प्रेम करते हैं। वह हमसे इस प्रकार प्रेम करते हैं कि वह हर एक मनुष्य को, उसके पापों को, उसके धर्मों को जानते हैं, फिर भी वह ये चाहते हैं कि हर एक मनुष्य बचाया जाए, वो नाश ना हो और वो हमेशा की जिंदगी उद्धार को पा सके। इसीलिए परमेश्वर ने ये क्रूस का संदेश हमें दिया। सबसे पहले क्रूस का संदेश हमें ये बताता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। वह ये नहीं चाहते कि हम नाश हो, वह ये चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी पाए। हम यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय को देखें। यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय और आगे हम 16 और 17 वर्स में देखते हैं। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास रखे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन। तो सबसे पहले हमें क्रूस का संदेश ये बताता है कि परमेश्वर ने हमसे, जगत से, मनुष्य से प्रेम किया और इसी प्रेम के कारण उसने क्रूस की योजना बनाई और अपने एक लौते पुत्र को उस क्रूस पर दे दिया, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं। हम परमेश्वर ने हमारे लिए उस क्रूस पर महान प्रेम को प्रकट किया। आइए हम भी ऐसा ही प्रेम दूसरों के लिए प्रकट कर सके, क्योंकि जब तक हम दूसरों से प्रेम नहीं करते, हम परमेश्वर के प्रेम में भी नहीं बने रह सकते। पर इस क्रूस का प्रेम हमें इसलिए भी प्रेरित करता है ताकि हम भी इसी प्रकार का प्रेम दूसरों के साथ कर सके। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया पर भेजा, ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए और वह मृत्यु ले जो हमारी थी। वो क्रूस की मृत्यु हमारी थी, फिर भी उन्होंने अपना इकलौता पुत्र इसलिए भेजा ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी को पा सकें। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो क्रूस का संदेश हमें देता है। आगे हम देखते हैं कि क्रूस का संदेश हमें ये बताता है कि हर एक मनुष्य पापी था। हम अपने पापों के कारण ही परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आगे हम देखें, अगर हम रोमियो की पुस्तक देखें, रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 23 वर्स, रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया। बाइबल पवित्र वचन हमें ये बताता है कि सब ने पाप किया और यीशु मसीह की महिमा से रहित। हम परमेश्वर से दूर क्यों हो गए? मनुष्य परमेश्वर से इसीलिए दूर हो गया क्योंकि उसने पाप किया। हम अपने अधर्मों, पापों के कारण ही मनुष्य
जो अपने पापों के कारण ही परमेश्वर से दूर हो गया। आज यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका कारण केवल यही है कि पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं ही हो जाती हैं, हमारे जीवन में आशा नहीं रहती, हमारे जीवन में शांति नहीं रहती और हम भटक जाते हैं। आज हमारे जीवन में अशांति का कारण, आशाहीन का कारण और हमारे जीवन में हम भटक गए हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम पाप में हो गए हैं। हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। मनुष्य अपने पापों की वजह से ही इस दुनिया में खो गया है। मनुष्य ने अपने पापों के कारण ही सच्चाई को भी खो दिया है, उसने अनंत जीवन को भी खो दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके पापों की वजह से ही हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आज इस दुनिया में खोया हुआ व्यक्ति सृष्टिकर्ता की नहीं बल्कि सृष्टि की हर एक चीज की उपासना करता है, पर वह सृष्टिकर्ता की उपासना नहीं करता। पाप के कारण आज इंसान इतना अधिक दूषित हो गया है कि धार्मिकता के कामों के करके भी, अगर हम धार्मिकता के काम करते हैं तब भी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और ये प्रयास करना भी व्यर्थ है। अगर हम यशाया की पुस्तक उसका 64 अध्याय 6 आयत में देखें, यशाया 64 अध्याय और 6 आयत में देखें, यहां लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हो गए हैं और हमारे धर्म के कारण काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है और हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। हमारे अधर्मों पापों के कारण हम परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। ये क्रूस का संदेश हमें बताता है कि मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया, उसका संबंध जो परमेश्वर के साथ था वो टूट गया है। आगे हम रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय और 23 आयत में देखें, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 23 में देखते हैं, यहां लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी जो है वो सिर्फ क्या है? मृत्यु। क्योंकि हमने पाप किया, हमें क्या मिलना चाहिए? मृत्यु। परंतु परमेश्वर की ये दया है, ये एक वरदान है हमारे लिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में उसने हमें अनंत जीवन दिया है। पर पवित्र शास्त्र हमें ये बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं है इस दुनिया में, सबके सब पापी हैं, परंतु पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु थी। पर फिर भी परमेश्वर ने हमें, हमारे ऊपर दया करी और हमें उसने अनंत जीवन का प्रभु यीशु मसीह में एक वरदान दिया। आगे हम सीखते हैं कि क्रूस का संदेश हमें परमेश्वर के उस रास्ते को बताता है जो उसने इसलिए तैयार किया ताकि मैं और आप अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। उसने एक ऐसा रास्ता निकाला ताकि वो मुझे और आपको पाप के दलदल में से बाहर निकाल सके। क्रूस का संदेश हमें ये बताता है उस महान प्लान को, उस महान जो प्लान परमेश्वर ने बताया, उस महान योजना को जो परमेश्वर ने इसलिए बनाई ताकि वह मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा देकर अनंत जीवन के रास्ते पर ले जाए। और वो जो उसने योजना बनाई
वो कौन सी योजना थी? वो योजना क्रूस ही थी। सो क्रूस का संदेश हमें उस महान योजना के बारे में बताता है जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए बनाई, ताकि मैं और आप अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 10 वर्ष में, लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 10 वर्ष को हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह किस लिए इस दुनिया में आया? ताकि वह खोए हुए को ढूंढे। अभी पिछले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में मैंने अभी बताया था कि हम सब दुनिया में खो गए हैं, हम सब इस दुनिया में भटक गए हैं। क्यों भटक गए? क्योंकि हम पाप में हो गए हैं। और यहां हम लूका की पुस्तक उसके 19 अध्याय और 10 वर्ष में पढ़ते हैं कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह किनको ढूंढने आया? जो उस दुनिया की भीड़ में हो गए थे, और उनके लिए उद्धार लेकर आया, उनका उद्धार करने आया है। और ये संदेश, क्रूस का संदेश हमें ये बयान करता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आया? पापियों के लिए आया। वो लोग जो पाप के दलदल में फंस गए थे, उनको बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र आया, और उन खोए हुए को ढूंढने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया। तो क्रूस का संदेश हमें उस महान योजना के बारे में बताता है। क्रूस का संदेश हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है। क्रूस का संदेश हमें ये बताता है कि मनुष्य अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो गए, भटक गए। और फिर तीसरे पॉइंट में हमें क्रूस का संदेश ये बताता है कि जब मनुष्य पाप में हो गया, भटक गया, तो परमेश्वर ने उस महान योजना को तैयार किया, उस क्रूस की योजना को तैयार किया, ताकि वह मेरे और आपके जीवन को अनंत जीवन की तरफ ले जाए, और हमें भूले भटके हुओं को हमें उद्धार का रास्ता दिखाए। आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, पवित्र वचन में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना पूरे जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। जगत का मेमना किसे कहा गया है? जगत का मेमना प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। उसने वो पाप जो मेरे और आपके थे, उसने वो पापों को अपने कंधे पर उठाया, अपने ऊपर उठाया, और उस क्रूस पर वो चढ़ाया गया। वो जो यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाए गए, वो किसके पापों के लिए थे? वो मेरे और आपके पाप थे जिनकी वजह से वो क्रूस पर चढ़ाए। वो मृत्यु मेरी और आपकी थी जो परमेश्वर ने, पिता यीशु मसीह ने ली। और यहां यूहन्ना 14:6, यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय और 6 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही। परमेश्वर, यहां यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहां यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक हम उस क्रूस को ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर यीशु मसीह को हम ग्रहण नहीं करते, उस क्रूस को हम ग्रहण नहीं करते, उसकी सलीबी मौत को हम ग्रहण नहीं करते, तब तक हम पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। और जब तक हम पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, हम उस अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते। पवित्र शास्त्र हमें ये बताता है कि जितने भी यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। क्रूस का संदेश हमें उस महान प्रेम के बारे में बताता है जो परमेश्वर ने मेरे और आपसे किया, और उसने अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर भेजा। और परमेश्वर का क्रूस का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक योजना तैयार करी। क्यों योजना तैयार करी? ताकि मैं और आप पाप से निकाले जाएं और हमेशा की
जिंदगी, अनंत जीवन और उद्धार को पाएं। क्रूस का संदेश हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उसकी दया के बारे में, उसकी करुणा के बारे में दिखाता है और उस लहू के बारे में, उस क्रूस के बारे में बताता है जो उस वो लहू जो उसने क्रूस पर बहा दिया। क्रूस का संदेश हमें उस महान लहू के बारे में बताता है जो सिर्फ और सिर्फ उसने इसलिए बहाया ताकि मैं और आप इस जीवन को पा सकें। क्रूस का संदेश हमारे लिए एक मैसेज ऑफ होप लेके आता है, एक उम्मीद लेके आता है। वो उम्मीद किस बात की है? परमेश्वर हमें किस बात की उम्मीद देते हैं जब हम उसके क्रूस को ग्रहण करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में लेते हैं, जब हम उस क्रूस को मानते हैं, उस क्रूस को ग्रहण करते हैं, क्रूस के संदेश को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन की उम्मीद लाते हैं। क्रूस का संदेश एक धन्य आशा है, क्रूस का संदेश एक बेहतर आशा है, क्रूस का संदेश एक जीवित आशा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे थे, उन्होंने मृत्यु पर अपनी विजय प्राप्त करी थी और वह मरे हुओं में से जी उठे और उन्होंने हमें हमारे पापों से क्या किया, छुटकारा दिया और हमें स्वर्गीय घर जो हमारे लिए परमेश्वर तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए स्वर्गीय घर में रहने की संभावना को प्रदान किया। ये क्रूस का संदेश हमें उस मैसेज ऑफ होप, उस उम्मीद को देता है ताकि हम भी उस अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। यीशु कब्र में नहीं रहे, तीसरे दिन वो जी उठे और उन्होंने पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करी। क्रूस का संदेश हमें ये बताता है कि हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और उसके जी उठने से उसने पापों के ऊपर, मृत्यु के ऊपर और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करी। क्रूस पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। क्रूस हमारे और परमेश्वर के बीच जो संबंध टूट गया था, किस वजह से टूट गया था वो संबंध? इस वजह से टूट गया था क्योंकि हमारे पाप आ गए थे। जब हमने पाप किया, जब मनुष्य ने पाप किया, तो वह परमेश्वर से दूर हो गया, वो भटक गया और क्रूस का संदेश हमारे लिए उस नई वाचा को फिर से स्थापित करता है। उसने क्रूस का संदेश हमारे लिए उस नए कवनेंट को फिर से स्थापित करता है, उस नए कवनेंट का फिर से उद्घाटन करता है, उस नई वाचा को फिर से बांधता है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच है। क्रूस हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोलता है। क्रूस हमारे लिए शांति, मेल मिलाप और एकता लाता है। क्रूस हमारे लिए प्रतिस्थापन है। वो क्रूस की जो मृत्यु थी वो हमारी थी, पर हमारा सब्स्टिट्यूशन उसमें कौन था? पर यीशु मसीह। क्रूस की मृत्यु जो थी वो हमारी थी, पर हमारे लिए उस मृत्यु को किसने लिया? यीशु मसीह ने लिया, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी को पा सके। एक बार की बात है कि जॉन वेस्ले को रास्ते में एक लुटेरे ने लूट लिया। उसके पास ज्यादा कुछ पैसे तो नहीं थे, परंतु उसके पास सुसमाचार के कुछ कागज थे, कुछ पेपर्स थे जिनके ऊपर सुसमाचार लिखा था। और जब लुटेरा उस जॉन वेस्ले को लूट कर जा रहा था, तो जॉन वेस्ले ने उसे आवाज लगाई और लुटेरा वापस आया और जॉन वेस्ले ने उस लुटेरे से कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए और भी कुछ है। तो वो लुटेरा बड़ा हैरान हुआ कि इस इंसान में से पैसे तो ज्यादा नहीं थे इसके पास, बस कुछ सुसमाचार था। और जब जॉन वेस्ले ने उस लुटेरे से कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए और भी कुछ है, तो वो बड़ा हैरान हुआ। फिर जॉन वेस्ले ने उस लुटेरे के लिए प्रार्थना करी, उस लुटेरे के लिए
जॉन वेस्ले ने प्रार्थना करी और यीशु मसीह से कहा कि इसके जीवन को बदल दीजिए और इसे अनंत जीवन का वरदान दे। और जब जॉन वेस्ले ने उस लुटेरे के लिए प्रार्थना करी और वो चला गया, कुछ वर्षों बाद, कई वर्षों बाद, जब जॉन वेस्ले अपनी चर्च सर्विस के बाद लोगों से मेल मिलाप कर रहे थे, तो वह लुटेरा वहां आया और जॉन वेस्ले ने उसे नहीं पहचाना, पर उसने जॉन वेस्ले को पहचाना और वह जॉन वेस्ले के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वह लुटेरा हूं जिसने एक बार आपको लूटा था और आपने मेरे लिए प्रार्थना करी थी। उसे याद था कि जॉन वेस्ले ने उसके लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना में उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि इसके जीवन को बदल दे और इसे उद्धार दे, इसके जीवन को बदल दे। उसे याद था और वो आज जॉन वेस्ले से मिलने आया और उसने जॉन वेस्ले से कहा, आज मैं एक सक्सेसफुल व्यापारी हूँ, एक प्रसिद्ध व्यापारी हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से। जब उसने ये कहा तो जॉन वेस्ले ने उसे उत्तर दिया, आप जो कुछ भी हैं मेरी वजह से नहीं है, आप परमेश्वर की वजह से हैं। आपके जीवन में अगर उद्धार है तो किसकी वजह से है? परमेश्वर की वजह से, उस क्रूस की वजह से उद्धार है, उस यीशु मसीह की वजह से है जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया। जॉन वेस्ले ने इस बात का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि उसने उस समय भी उस यीशु मसीह जो क्रूस पर मेरे और आपके लिए चढ़ाया गया, उसको इस बात का क्रेडिट दिया, क्योंकि बदल हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ कौन रखते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर रखते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे और आपके लिए मारा गया, तोड़ा गया, उसने सलीब पर पेन सफरिंग सही, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, किस लिए पहनाया गया? मेरे और आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए उसने सलीबी मौत ली, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी को अपना सके। आइए हम इस क्रूस को अपनी जिंदगियों में अपनाएं, आइए हम इस क्रूस को, संदेश को अपनी जिंदगी में अपनाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से अपने संबंध को जोड़ सके। आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, हम अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते। आइए इस वचन को, आज इस क्रूस के संदेश को अपने साथ लेकर जाएं, ताकि ये हमारे लिए जो क्रूस की कथा है ये एक सामर्थ बने, एक पावर बने, क्योंकि बिना क्रूस की कहानी के, बिना क्रूस के संदेश के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारा जीवन तब तक नहीं बदल सकता जब तक हम इस क्रूस को नहीं अपनाते। आइए हम सब इस क्रूस को अपनाएं और इस क्रूस की कथा को भी अपने जीवन में अपनाएं और इस क्रूस पर गर्व करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से अच्छे वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, होने देना कि हम इस क्रूस को, हम इस क्रूस की कहानी को अपने जीवन में अपना सके और अनंत जीवन के वारिस हो सके जो आपने हमारे लिए योजना बनाई। पिता परमेश्वर, मैं जितने भी लोग हमारे साथ इस मीटिंग में थे उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। अगर कोई प्रभु जी किसी दुख में, तकलीफ में, परेशानी में है, प्रभु जी आप बेहतर जानते हैं, उन सब पर अपनी आशीष और बरकत का हाथ। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ वो लोग जो बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, पिता परमेश्वर उन पर अपनी आशीष और बरकत का हाथ फैलाइए, ताकि वे ठीक हो जाएं और अपने जीवन में आपकी गवाही दे सके। मैं अपने सारे एडवेंटिस्ट चर्च के लिए प्रार्थना करती हूँ जो दूसरी जगह में है, उन सब की कलीसियाओं के मेंबरों के लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, हम नहीं, आप सबको जानते हैं, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी यूथ हमारे चर्चेस में हैं,
उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ ताकि वह आने वाले समय में इस चर्च के स्ट्रॉन्ग पिलर्स बन सके। प्रभु जी, जितने स्कूल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सेक्शंस हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, हम इस क्रूस के संदेश को, आपके प्रेम को औरों तक भी बांट सके। होने देना पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में जो आपने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया है, हम वही प्रेम दूसरों तक भी प्रकट कर सके। पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं बहुत आशीष और बरकत देने के लिए, हर अच्छी चीज देने के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस मीटिंग के लिए, ऑनलाइन सर्विस के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जी, मैं एक बार फिर से अपने आप को, आपके सारे कलीसियाओं को, आपके सारे लोग जो आपके नाम को आगे बढ़ाने में लगे हैं, उनको आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।